खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर ने कहा है कि दरिया जेहलम में सैलाब और तोपियानी की इम्कानी सूरत हाल से निपटने और पेशबंदी के तौर पर हर मुमकिन हिफाजती इकदाम के लिए तमाम मुतलका सरकारी महकमे और इदारे अपनी तैयारियों और इंतजाम हर लिहाज से मुकम्मल करें, ताकि बवक्त जरूरत रेस्क्यू सरगर्मियों में कोई रुकावट पेश न आए और मुतासरीन सैलाब की हर मुमकिन मदद हो सके। ये हिदायत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अजलास की सदारत करते हुए जारी की, जिसमें मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम इकदाम का जायजा लिया गया। अजलास में इंजीनियर सईद अहमद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी सूरत हाल में पैदा होने वाले हालात पर ब्रीफिंग दी, जिसमें सैलाबी सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से फ्लड सेक्टर्स की तश्कील, रेस्क्यूज की सैलाब जदा इलाकों में तैनाती, हंगामी हालात में लोगों को इनखला, डूबते हुए लोगों को बचाने और उनको फर्स्ट एड फराहम करने जैसे इकदाम का बताया गया। अजलास में महकमा सेहत, महकमा आपाशी, महकमा तालीम, लाइफ स्टॉक और बाकी तमाम जिला इदारों ने शिरकत की। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज़, चौधरी शुएब, जेहलम। We'll be right back.